देखिए, जिंदगी में हार का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। हम में से लगभग सभी लोगों ने कभी ना कभी हार का सामना किया है किसी न किसी सरकमस्टांस में। और एक फाइटर का पता कब लगता है? जब वो हार के सामने खड़ा होता है, जब उसको पता है कि हार के चांस ज्यादा है, जीत के चांस कम है। एक फाइटर का पता तभी लगता है। एक गेंद पर एक रन चाहिए है तो कोई भी बल्लेबाज आकर के बल्ला घुमाएगा, मिस भी हो गया, विकेट कीपर पकड़ेगा, वो भागने की कोशिश कर सकता है। एक गेंद पर 10 रन चाहिए हैं, कोई भी बल्लेबाज आएगा, हर कोई बल्लेबाज अब 10 रन के लिए कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दुनिया में से बहुत सारे आपको क्रिकेटर मिलेंगे जो एक गेंद पर 10 रन के लिए भी लास्ट गेंद को फेस करते हैं। गेंदबाज को जाकर के ये नहीं बोलते कि भाई आप मत फेंकिए, मैं 6 रन तो बना सकता हूं, है ना। फिर भी वो कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात इसलिए नहीं बोली गई है, देखिए, जब तक आपके अंदर जान है, जब तक आपके अंदर इस बात की हिम्मत है, जब तक आपके हाथ पर काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, इंसान को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि इंसान हारता कब है? जब इंसान हार मान लेता है। हार मानना हार होती है, हारना हार नहीं होती। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम ही जिंदगी है। और सबको हमेशा जीत मिले ये तो हो नहीं सकता। तो जीवन में कईयों बार ऐसे आप पड़ाव पे आएंगे, ऐसे मुकाम पे आएंगे जब आपको लगेगा कि मैं हारने वाला हूं, लेकिन उस वक्त आपने कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिमेम्बर द फेसेस ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर टीचर्स हु हैड वर्कड हार्ड विद यू। जिन लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी, जिन लोगों ने आपके साथ मेहनत करी, उनके चेहरे याद कीजिए। आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी, आपको इतनी ज्यादा हिम्मत मिलेगी कि आप दौड़ेंगे, जहां आप रुके हुए थे वहां से आप दौड़ना शुरू कर देंगे। और आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, जो इंसान जिसने उसको जन्म दिया, चलना फिरना सिखाया, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगा। और दूसरे जो टीचर्स, कोई भी टीचर जिन्होंने लाइफ में आपको कुछ भी सिखाया, कोई भी ज्ञान आपको दिया है, जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उनके बारे में सोचेगा, उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगा, ऐसा कोई इंसान जिंदगी में नाकामयाब कभी नहीं हो सकता। जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर आकर के उसको सक्सेस जरूर मिलेगी, या आप में से लिखवा करके ले सकते हैं। और अपनी इन्हीं सुपर पावर्स को अपने याद करना है उस मोमेंट में, जब भी आपको लगे कि अब चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूं, बस इन दो सुपर पावर्स को याद कर लीजिए और फिर देखिए आपकी क्या आपकी गाड़ी दौड़ती है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जब तक आप कर सकते हैं आप करते रहिए, जब तक आप कर सकते हैं तब तक लड़ते रहिए, करते रहिए। क्योंकि चांसेस और अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज केवल तभी तक है जब तक आप प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन आपने प्रयास करना बंद कर दिया, आपके सब चांसेस खत्म, आपके सभी रिसोर्सेज खत्म, आपकी सभी अपॉर्चुनिटीज खत्म। और इस फॉर्मूले से आप, ये किसी जॉब के लिए नहीं है, जीवन में कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहा है तो ये फॉर्मूला है, करते रहिए। क्योंकि सफलता करने से आएगी, ये कोई पिज्जा तो है नहीं कि आपने अभी ऑर्डर किया और आधे घंटे घंटे भर में पिज्जा आपके घर पर डिलीवर हो गया। ये तो सफलता है, ये तो सक्सेस है। ये समय लेगी, ये आपसे मेहनत भी कराएगी, आपको रुलाएगी भी, आपको हराएगी भी, आपको गिराएगी भी, आपको झुकाएगी भी, लेकिन गिरने के बाद उठने को, झुकने के बाद वापस खड़े होने को, हारने के बाद वापस जीतने को, इसी को लाइफ कहते हैं। वरना जो लोग दुनिया से चले गए, ना तो वो हार रहे हैं ना वो जीत रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने है। अपनी सुपर पावर्स को हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा एक सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड जब आपका होता है तभी आप कुछ नया सोच पाते हैं। नया सोचना बड़ा जरूरी है। क्रिएटिव माइंड केवल तब आएगा जब आप कुछ पॉजिटिव अप्रोच रखते होंगे, नेगेटिव बातों से दूर रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, और ये मान करके चले कि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। अगर थॉट पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।